राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए सांसद रामवीर सिंह भदूड़ी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली की जनता को परेशान होते नहीं देख सकती, इसीलिए वो हर प्रयास कर रही है। पंजाब सीएम से समय मांगा था, उन्होंने मुलाकात नहीं की, लेकिन दिल्ली दुनिया की वर्ल्ड क्लास सिटी बने, दिल्ली का सुधार हो, इसलिए दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनेगी। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को लेकर जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं पर चिंतन जाहिर कर रहे हैं। इस समय बीजेपी से सांसद रामवीर भदूड़ी जी यहां पर हैं। सर, जिस तरह से आज आप लोग भगवत मान सिंह जो कि पंजाब के सीएम हैं उनसे मुलाकात करने आए, लेकिन वो आपसे मिले नहीं, एक तरीके की निराशा सामने आ रही है, क्या दिल्ली के सभी एमपी और लीडर ऑफ अपोजिशन, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में हम पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री को मिलने के लिए आए थे और हम उनको ये जानकारी देना चाहते थे कि पंजाब में पराली जलाने की सैकड़ों घटनाएं घट रही हैं, उनकी सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। केंद्र सरकार ने पराली खेतों में ना जलाई जाए, हजारों करोड़ रुपए की मशीनरी उनको उपलब्ध कराई है, उसका कोई इस्तेमाल पंजाब के मुख्यमंत्री कर नहीं रहे हैं। दिल्ली यदि आज दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित की है तो उसके तीन कारण हैं। पंजाब में पराली जलाई जा रही है, दूसरा कारण है कि दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर जो गड्ढे हैं जब उसके ऊपर गाड़ियां चलती है तो डस्ट उड़ती है, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि PM2.5 सबसे ज़्यादा जनरेट धूल से होता है, तो दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। तीसरा कारण है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया, DTC के पास बसें ही नहीं हैं, जो बसें हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार को 15,000 बसें DTC के लिए खरीदनी थी, एक बस भी अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो, चाहे AJC की सरकार है, DTC के लिए नहीं खरीदी गई हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां बाइक सड़कों पर निकाली हैं, तो जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, इससे जो धुआं निकलता है उससे भी दिल्ली प्रदूषित होती है, और तीन ही कारण है जिससे दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित की है। तो सर, आगे अगला क्या कदम होगा बीजेपी की ओर से, क्योंकि आज मुलाकात के लिए समय जो है आप लोगों ने मांगा था पोल्यूशन पर, नहीं लोगों के बीच में जाएंगे और 2-2.5 महीने के बाद चुनाव है, दिल्ली के लोगों से आग्रह करेंगे कि यदि आप दिल्ली में प्रदूषण से मुक्ति चाहते हैं और दिल्ली दुनिया की वर्ल्ड क्लास सिटी बने तो फिर आपको 2-3 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा, और फिर हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है, ऐसा हमारा सपना है। जी, तो ये देखिए सांसद रामवीर सिंह भदूड़ी जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की मार झेल रही जनता की काफी परेशानियां हैं जिसे दिल्ली सरकार नहीं सुनना चाहती है और किसी प्रकार का समय नहीं दे रही है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनेगी तो जरूर उनकी इन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी दिल्ली।